हेलो एवरीवन। तो ये दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बज रहे हैं, मतलब सृष्टि को स्कूल से लाने के बाद, और उसके बाद लंच हम लोग का हुआ, उसके बाद मैंने 1 घंटा आराम किया, क्योंकि दोपहर में कम से कम मैं 1 घंटा ज़रूर आराम करती हूँ, नहीं तो फिर मेरा कमर में दर्द हो जाता अगर मैं 1 घंटा भी अगर ना लेटूँ तो, फिर शाम में वही काम फिर होता है तो दर्द हो जाता है मेरा कमर, एक कमर दर्द से परेशान रहती हूँ। तो मुझे कुछ कपड़े आयरन करने थे, बस मैंने थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। कपड़ा लेके तो बैठी थी पर थोड़ा ही कपड़ा हो पाया, क्योंकि इतनी आंधी तूफान आने लगी थी, ये मत पूछिए, लाइन भी कट गया था। और खैर करिए कि मौसम जब हल्का ही थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो मैं कपड़ा उपड़ा उठा ली थी, नहीं तो बाहर में इतनी आवाज़ आ रही थी, धड़ाम धड़ाम कुछ ना कुछ सामान गिर रहा था, आंधी इतनी ज़ोर से थी, पानी तो नहीं पड़ा पर हाँ लाइन चला गया था। और तो यहाँ मैं कुछ ही कपड़ा कर पाई, कुछ रह गया, ये काम भी बाकी रह गया मेरा, उसके बाद मैंने तो ये छोड़ दिया। उसके बाद शाम में लाइन आई तो उसके बाद मैंने आप लोग के साथ डिनर में से शेयर किया, वो भिंडी और रोटी बना रही थी, ये भी बहुत शाम में लेट से आए थे, काफ़ी लेट से आए थे, जिससे सृष्टि काफ़ी परेशान थी, काफ़ी परेशान। तो वही इनका ऑफिस का और संदीप का भी स्कूल खुलने वाला है 21 से, तो उसका भी ड्रेस रह गया था, मतलब मैंने इसका ड्रेस तो मैंने बहुत पहले ही करके रख दिया था, पर बीच में उसको एडमिशन के लिए जाना होता था तो इसी कारण से उसका स्कूल ड्रेस भी निकल जाता था। 2-3 बार मैंने समर वेकेशन में आयरन कर करके रखा और 2-3 बार निकल गया था, तो क्योंकि जब वो एक बार पहन के चला जाता है तो फिर इच्छा नहीं होता है कि इसी तरह रख दूँ। उसके बाद मैंने शाम में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लाइन कटी रह गई थी। उसके बाद मैं डिनर जब बना रही थी तो लेट से आया, तो मैं जल्दी डिनर बनाने में लग गई थी, ये भी लेट से आए थे, अभी तक तो ये नहीं आए थे ऑफिस से, पर सृष्टि आ कि मुझे बहुत तंग कर रही थी, मतलब वो पढ़ाई तो कर रही थी साथ के साथ आके पापा बोल के गए हैं कि नहीं गए हैं, क्यों लेट से आ रहे, क्योंकि इनका टाइम हमेशा फिक्स रहा है, कभी ये इधर उधर नहीं जाते हैं, सीधा ऑफिस से घर ही आते हैं, जाना रहता है तो सुबह ही बोल देते हैं पर ऐसे कभी नहीं जाते हैं। हाँ ऑफिस में कभी कभी लेट होती है, तो इतना साल हो गया हम लोग का, कभी नहीं हम लोग ने ऑफिस में कॉल करके नहीं पूछा क्यों लेट हो रहा है चाहे कुछ, ये शुरू से ही बोलते थे कि ऑफिस में मत करना, ऐसा रहेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो बस मैं आराम से बना रही थी पर बच्चे परेशान, सृष्टि बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही तंग कर रही थी, और मैं भी जल्दी रोटी बना, मतलब सब्ज़ी मैंने बना लिया है, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाया है, और बाकी सारा कुछ हो गया है काम, बस रोटी बना के मैं सोच रही पौधों में पानी दे दूँगी, क्योंकि ड्यूटी तो इन्हीं की रहती है पौधों में पानी देने का, तो ये शाम में आते थे चाय करने के बाद ये पौधे में पानी देते थे, पर मैंने सोचा दे देती हूँ क्योंकि आएंगे कब पौधे में पानी देंगे, तो मैं ही दे देती हूँ, कम से कम एक काम इनका हल्का हो जाएगा। तो ये देख लीजिए भिंडी की सब्ज़ी भी हो गई है, बच्चे लोग खाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो पापा ने इंतज़ार कर रहे थे। तो ये देख लीजिए मैं सृष्टि को यहाँ पर छेड़ रही थी कि क्या हुआ सृष्टि, क्यों उदास हो, क्या प्रोजेक्ट उसे शायद बनाना था, मैं सोच रही थी, मैं उसे चिढ़ा रही थी कि पापा को प्रोजेक्ट के लिए इंतज़ार कर रही है, तो बोली नहीं पापा लेट से आ रहे हैं इसीलिए, तो वो बेचारे बार बार खिड़की तरफ देख रही थी, अब आएंगे पापा अब आएंगे, देख लीजिए उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं है, पापा की लाडली जो है पापा से बहुत प्यार करती है, दिन भर मेरे साथ रहती है पर पापा से प्यार करती है, हर बेटी का है कि बेटियाँ पापा से बहुत प्यार करती हैं, तो ये सच है। तो ये देख लीजिए, तो मैंने सृष्टि को कहा कि चलो मेरे साथ पानी पौधों में दे दो, पर उसका मन नहीं था, वो बार बार नीचे ही देख रही थी कि पापा अब आएंगे आएंगे, तो यहाँ मैं पौधों में पानी दे रही हूँ, पर ये इंतज़ार में है, मन उदास है, मैं सोची चलो थोड़ा सा काम में लगेगी तो भूल जाएगी, पर नहीं उससे मन नहीं लग रहा था, बस उसका रोड पर ही ध्यान था, देख लीजिए अभी भी वो रोड तरफ ही देख रही है, देख रहे हैं वो अभी भी रोड तरफ ही देख रही है, उसके बाद देखिएगा जब उसके पापा आएंगे तो उसकी खुशी देखिएगा चेहरा पे। मैं उसके आगे की भी वीडियो दिखाती कि पापा में कैसे लिपट गई थी, पर वो लाइन कटा रह गया था, इसके बाद बारिश बहुत हुई थी, देख लीजिए बादल अभी भी चमक रहा है, बिजली चमक रही है, तो इस समय तक तो बारिश नहीं आया था, जब हम लोग डिनर के लिए हुए तो उस समय खूब बारिश हो गई थी, मैंने किचन से आप लोग को दिखाया भी है, तो देख लीजिए इसके पापा भी आ गए हैं, उसके बाद सृष्टि का खुशी देखिएगा, ये देख लीजिए कितनी खुश है और उछल रही थी, तो यहाँ बिजली भी बहुत चमक रही थी, पानी होने से पहले ही ये आ गए थे समय से, तो यहाँ देख लीजिए कितनी बारिश हो रही है, यहाँ मैं डिनर की तैयारी मतलब सबका डिनर निकाल ही रही थी कि अचानक से खूब बारिश होने लगी थी, तो बारिश देख के खूब खुशी हो रहा था कि मौसम बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, हवा चल रहा था बहुत अच्छा, रात भर बारिश हुई थी और अगले दिन फिर धूप हो गया था, उसी तरह फिर गर्मी थी,
पर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पर यही था कि रात भर लाइन कटा रह गया, पता नहीं कब आई थी लाइन, पता नहीं एकदम। अभी मतलब अभी तक तो लाइन थी, उसके बाद फिर लाइन चला गया था तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैंने कल स्टार्ट किया था और कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कल आंधी तूफान बहुत आया था तो लाइन कटा रह गया, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मुझे आप लोग से बातें भी करनी थी तो मैंने सोचा चलो अब ये इसके अगले दिन की वीडियो है। और कल जब मैं वीडियो बना रही थी तब लाइन कट रही थी, कभी आंधी तूफान कितना, क्योंकि 3 बजे से ही पहले आंधी आया। उस समय जिस समय मैं आयरन कर रही थी, आयरन करते करते आयरन भी पूरा नहीं हुआ, और उसी समय मैं करती हूँ जब मुझे मौका रहता है आराम आराम करने के बाद। जब सृष्टि को स्कूल से लेके आई थी तो उसके बाद मैंने एक घंटा मतलब लंच होने के बाद 1 घंटा मैंने आराम किया, उसके बाद मेरा आयरन करने के लिए था कपड़ा, मैंने सोचा चलो आयरन कर लेती हूँ। उसके बाद 2-4 कपड़ा हुआ ही था आयरन का, उसके बाद अचानक से खूब आंधी आने लगा, लाइन भी कट गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और क्या पानी उस समय नहीं हुआ था, केवल हवा खूब चला था, खूब मतलब इतनी ज़ोर से आंधी थी कि बाहर बालकनी का सारा बाल्टी उल्टी कपड़ा तो ऐसे हो रहा था। वो तो अच्छा था कि मैंने मौसम देख के पहले ही कपड़ा उपड़ा हटा दिया था। उसके बाद फिर लाइन शाम तक आया, तो उसके बाद मैंने जब डिनर की तैयारी की तब मैंने फिर ब्लॉग स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को शेयर भी किया। उसके बाद आज ये मतलब कल ये बहुत लेट से भी आए थे ऑफिस से, और सृष्टि तो इतना परेशान हो गई थी, मतलब इनका टाइमिंग एकदम एक रहता है, 6:30 से 7 बजे तक ये आ जाते हैं, कभी नहीं मतलब लेट हुआ है, एक ही टाइम हमेशा रहता है इनका, तो हम लोग को भी चलो रहता है, पर कभी कभी लेट हो जाता है ऑफिस में। तो मैं तो शांत थी पर बेटी थोड़ा भी साथ जैसे पार हुआ, बार बार आके पढ़ाई कर रही है, पापा नहीं आए, पापा बोल के गए थे। और इतना साल हो गया हम लोग का शादी का, मैं ऑफिस में 1 मिनट से बातें करते करते कोई आ गया था इसलिए मैं चली गई थी। हाँ तो मैं बोल रही थी इतना साल हो गया है, मैंने कभी भी जल्दी ऑफिस में इनका कॉल नहीं किया है, क्योंकि ये भी मना करते हैं कि ऑफिस में नहीं कॉल करना, अगर वैसा रहा तो मैं खुद बता दूँगा। तो कई बार ये लेट से आए हैं, मैसेज कर देते हैं या कॉल करके बोल देते हैं कि आज लेट से आऊँगा, पर कल उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। अब सृष्टि इतनी परेशान हो गई, मैं डिनर बना रही थी, बार बार आके पापा नहीं आए, हम लोग क्यों परेशान हो रही है समझा रही थी, पर उसका मन पूरा उदास था, जैसे लग रहा था अब रो देगी। सच में बेटी पापा की लाडली होती है, बेटी सबसे ज़्यादा अपने पापा से ही प्यार करती है, भले हम लोग के साथ भर दिन रहती है पर वो पापा से बहुत ही प्यार करती है। बहुत ही उदास थी पढ़ाई करने के बाद, उसने फिर मैं देखी उदास थी तो फिर उसको मैं लेके मैंने सोचा चलो उसे कुछ काम में लगाती हूँ, तो मुझे पानी देना था पौधा में, क्योंकि यही देते थे अगर ये आ जाते थे ड्यूटी से तो यही देते थे, पर इनका लेट हो रहा था, 8:30 हो गया था, तो मैंने सोचा चलो डिनर बना के मैं ही दे देती हूँ, तो फिर आएंगे फिर देंगे, तो इसीलिए मैंने कल बच्चे लोग को भी बोला चलो पानी तुम लोग बटा देना, पर सृष्टि को मन नहीं कर रहा था, वो बार बार रोड पर देख रही थी। आपने देखा ही होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि उसका ध्यान हमें रोड पर ही था, वो बहुत इंतज़ार कर रही थी, पानी जब पटा ही रही थी पौधा में पानी डाल ही रही थी तब तक इसके पापा आ गए। उसके बाद आपने देखा सृष्टि का कितना चेहरा में मुस्कान था, बहुत ही खुश हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं वीडियो आप लोग से कंटिन्यू नहीं कर पाई, आप लोग देखा कि बारिश कितनी तेज़ आ गई थी, जैसे हम लोग घर में गए डिनर मतलब इनको चाय देने के लिए, इन्होंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगा उसके बाद तब तक बच्चा लोग को डिनर दे दो, मैं बच्चे लोग का डिनर निकाल ही रही थी तब तक फिर पानी जोड़ आया, फिर लाइन कट गया। कल नींद भी अच्छी सी नहीं हुई हम लोग की, इतनी बारिश हो रही थी। और मत पूछे गर्मी तो उतना ही लग रहा था, हवा जब तक चलता था अच्छा लग रहा था, लाइन कटा रह गया था, लाइन कटा में ही हम लोग ने सोया, कब आया उसके बाद पता नहीं, सुबह अच्छी नींद आई तो फिर स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों लोग का उठने का समय हो गया। तो यही था कल, ऐसे ऐसे वीडियो बना है बता नहीं सकती हूँ, आ रहा है जा रहा है लाइन कट रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो में आप लोग को कुछ नहीं दिखा पाई। डिनर हम लोग ने किया, उस समय लाइन भी कट चुका था, तो चलिए सब यही सब बातें करनी थी आप लोग से। तो जो वीडियो बना है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बात करते करते हाथ दर्द हो जाती है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।